नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 24 अप्रैल दिन सोमवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना हाई कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को मिली राहत। चुनाव चिन्ह को लेकर ठाकरे और शिंदे गुट हुए आमने सामने। विपक्षी एकता पर मुलाकात के बाद सीएम नीतीश और ममता बनर्जी ने कही ये बात। AIMIM प्रमुख ओवैसी ने अमित शाह पर साधा निशाना। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। अब चलिए बढ़ते हैं प्रदेश और देश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। पटना हाई कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को मिली राहत। पटना हाई कोर्ट में आज मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई है, जहां 15 मई 2023 तक कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाते हुए राहुल गांधी को फिलहाल राहत दी गई है। बता दें कि जस्टिस संदीप कुमार की बेंच द्वारा राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की गई है। मालूम हो कि 25 अप्रैल 2023 को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने की बात पटना के निचली अदालत द्वारा कही गई थी। वहीं राहुल गांधी द्वारा निचली अदालत के उस आदेश के विरुद्ध याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट के द्वारा स्वीकार करते हुए राहुल गांधी को राहत दे दी गई है। कपिल सिब्बल ने एक प्रेस क्लब के दौरान कहा कि अब तो संसद भी कैप्चर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में कोर्ट के फैसले पर वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने सवाल खड़े किए हैं। दरअसल उन्होंने कहा है कि मैंने कांग्रेस पार्टी भले ही छोड़ी है, लेकिन दिल से अभी भी कांग्रेसी ही हूं और कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं। एक प्रेस क्लब के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि सभी संस्थाओं की स्वतंत्रता पर कब्जा हो रहा है, अब तो संसद भी कैप्चर हो गई है। विपक्ष की बात करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। न्यायपालिका से कई बार ऐसे फैसले आते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, आधार नहीं है। राहुल गांधी को लेकर जो फैसला आया है वह हैरत भरा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिसकी मानहानि की बात है उन्होंने तो मुकदमा नहीं किया। इस केंद्रीय मंत्री ने बिहार में भाजपा शासन लाने की कही बड़ी बात। सभी फिरंगी 2024 में बांग्लादेश भेजे जाएंगे वाली बात केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा कही गई है। साथ ही पटना के एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि 2024 में बिहार की 40 सीटों पर इस फिरंगी शासन का पर्दाफाश करे। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि सभी फिरंगी सुने, हम तुम्हें 2024 में बांग्लादेश भेज देंगे, साथ ही 2025 में हम नेपाल की सीमा से भगा देंगे और बिहार में भाजपा का शासन लाएंगे। वहीं सभा को संबोधित करते हुए बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि याद करें 2014 में नीतीश कुमार ने कहा था कि वह भाजपा से हाथ मिलाने के बजाय मिट्टी में मिल जाना पसंद करेंगे। वह हमारे साथ 5 साल रहे। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि हम उस मिट्टी की तलाश कर रहे हैं जहां वह मिलेंगे। चुनाव चिन्ह को लेकर ठाकरे और शिंदे गुट हुए आमने सामने। चुनाव आयोग ने इस साल की शुरुआत में ही महाराष्ट्र में शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर फैसला सुनाते हुए तीर धनुष को शिंदे गुट को सौंप दिया था, लेकिन यह अधिक दिनों तक उद्धव ठाकरे के पास नहीं रहा, जिसे लेकर ठाकरे और शिंदे गुट अक्सर आमने सामने नजर आते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से शिंदे और ठाकरे गुट चुनाव चिन्ह तीर धनुष को लेकर आमने सामने आ गए हैं। बता दें कि एक कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तान भी बता देगा कि असली शिवसेना किसकी है। इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पलटवार करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि असली शिवसेना किसकी है, यह पाकिस्तान के प्रमाण पत्र से तय होगा। जीतनराम मांझी ने श्रीराम के अस्तित्व पर उठाए सवाल। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी अपने दिए बयानों को लेकर एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गए हैं। दरअसल इस बार उन्होंने श्रीराम के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। श्रीराम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा है कि वह राम को भगवान नहीं बल्कि एक काल्पनिक व्यक्ति मानते हैं। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने हिंदू धर्म पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म से कभी सुधार नहीं हो सकता है, इस धर्म में जात पात ऊंच नीच अधिक होता है। साथ ही शासन की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें इसी के नाम पर भी शासन चलता है। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने दिल्ली में फ्री बिजली और फ्री पानी को लेकर कही ये बात। इन दिनों आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच दिल्ली में सियासी टकराव देखने को मिल रही है। दोनों राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी देखने को मिल रहा। कभी दिल्ली सरकार के मंत्रियों के जेल जाने को लेकर तो कभी प्रधानमंत्री के डिग्री को लेकर। अब इसी बीच मीडिया से बातचीत के दौरान दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी का बयान सामने आया है। दरअसल मीडिया की तरफ से पूछे जाने वाले सवाल, दिल्ली की राजनीति में बीजेपी ना तो नगर निगम है और ना ही विधानसभा में है, तो 2024 के चुनाव के लिए आप
की क्या प्लानिंग है। इस सवाल का जवाब देते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि यह सच नहीं है कि नगर निगम में हमारे पार्षद नहीं है, यहाँ हमारे 104 पार्षद है और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा तो हमारा होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी उसको रोक रही है। इसके साथ ही विधानसभा में भी हमारे 8 विधायक हैं। साथ ही फ्री बिजली और फ्री पानी को लेकर उन्होंने कहा कि कोई आदमी बता दे जिसको पीने का पानी फ्री में मिलता हो। साथ ही बिजली को लेकर उन्होंने कहा कि 92% लोगों का बिजली बिल पहले से बढ़कर आ रहा है। प्रशांत किशोर ने पदयात्रा शिविर को संबोधित करते हुए कही ये बात। प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पदयात्रा के दौरान वैशाली के चेहरा कला प्रखंड में पदयात्रा शिविर के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जन स्वराज अभियान न तो सामाजिक आंदोलन है और न ही समाज में क्रांति लाने का अभियान है। लोगों का मानना है कि समाज में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आंदोलन और क्रांति की जरूरत होती है, लेकिन मेरा आंदोलन और क्रांति में कोई विश्वास नहीं है। साथ ही उन्होंने मानव सभ्यता की बात करते हुए कहा कि दुनिया भर में मानव सभ्यता के इतिहास को ध्यान से देखा जाए तो ये पता चलेगा कि आंदोलन और क्रांति से किसी भी समाज की स्थिति नहीं सुधरी है। आंदोलन और क्रांति से बड़े बड़े शासक का सत्ता से हटा सकते हैं, लेकिन नई व्यवस्था नहीं बना सकते। विपक्षी एकता पर मुलाकात के बाद सीएम नीतीश और ममता बनर्जी ने कही ये बात। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद काफी उत्साहित नजर आईं। बता दें कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव विपक्षी एकता का एजेंडा लेकर यहां पहुंचे थे। इस मामले पर काफी देर तक सभी के बीच बातचीत भी चली। बातचीत के बाद ममता बनर्जी द्वारा कहा गया कि मैं तो चाहती हूं कि सभी लोग साथ आएं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि भाजपा बहुत दिनों से हीरो बन गई, अब उसे जीरो करना होगा। साथ ही नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया कि सभी विपक्षी दलों को साथ बैठना होगा और 2024 के लिए अपनी रणनीति तैयार करनी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक साथ नहीं आएंगे तब तक रणनीति तैयार नहीं हो पाएगी। आनंद मोहन के रिहाई को लेकर यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने कही ये बात। देश के कई हिस्सों में राजनीति गरमाई हुई है जब से आनंद मोहन के रिहाई की बात सामने आई है। दरअसल उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती ने बिहार सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले को दलित विरोधी करार दिया है। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी द्वारा कहा गया कि आनंद मोहन के जेल से छूटकर आने के बाद गरीबों का सर्वनाश होगा, गरीबों पर बहुत अत्याचार होगा, ऐसा हम नहीं मानते। आनंद मोहन की बातों को देखकर ऐसा महसूस नहीं होता कि वे क्रिमिनल नेचर के हैं। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा आनंद मोहन को बाहर निकालने के लिए नियमों में जो संशोधन हुए हैं यह उनका अपना निर्णय है, सोच विचार करके ही कानूनों में संशोधन किया गया होगा। ऐसा कानून सबके लिए होना चाहिए, इसका भला होगा या बुरा होगा यह अभी नहीं कह सकते हैं। शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी को लेकर कह दी ये बात। एनसीपी चीफ शरद पवार का महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच एक बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा कि आज हम महाविकास अघाड़ी के साथ हैं, लेकिन 2024 में होने वाले चुनाव में साथ रहेंगे या नहीं इसके बारे में अभी से कुछ नहीं बोला जा सकता। इन दिनों शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के बीजेपी में जाने की अटकलें भी चर्चा में बनी हुई हैं। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो तोड़फोड़ की राजनीति शुरू हो रही है उससे राज्य का को बड़ा नुकसान हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन्हें तोड़फोड़ की राजनीति करनी है वे ऐसी राजनीति करें, लेकिन हमें जो करना है वह हम करेंगे। AIMIM प्रमुख ओवैसी ने अमित शाह पर साधा निशाना। कुछ ही महीनों में विधानसभा का चुनाव तेलंगाना में होना है, वहीं अब राजनीतिक दलित चुनाव को लेकर आमने सामने हो गई है। इसी बीच AIMIM के अध्यक्ष अशरुद्दीन ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है, जहां उन्होंने कहा है कि ओवैसी का रोना कब तक चलेगा। बता दें कि इससे पहले बिहार को एक रैली के दौरान अमित शाह द्वारा आलोचना करते हुए कहा गया था कि KCR ओवैसी के एजेंडे पर चल रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि यदि तेलंगाना की सत्ता में बीजेपी आती है तो मुस्लिमों के लिए आरक्षण खत्म कर दिए जाएंगे। शाह के इस बयान पर पलटवार करते हुए ओवैसी द्वारा कहा गया कि कभी रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और बेरोजगारी पर भी बात किया करें। ललन सिंह ने नीतीश कुमार के कार्यकाल को लेकर कह दी ये बात। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह द्वारा दानवीर सुरवीर भामाशाह जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो सबसे अधिक लाभ व्यवसायियों को ही होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसा होने नहीं देंगे। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि इनके चक्कर में मत पड़िए, ये आप लोगों को तय करना है कि आप असली के साथ रहेंगे या फिर आपको नकली के चक्कर में रहना है। नीतीश कुमार असली है जबकि दिल्ली वाले नकली है। नीतीश कुमार को लेकर ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के रूप में 17.5 साल के कार्यकाल में बिहार का व्यवसाय कितना आगे बढ़ा ये बताने की जरूरत नहीं है। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। सम्राट चौधरी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। साथ ही नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है। जो लोग ये बातें करते हैं कि संविधान खतरे में है, पूरे 9 साल हो गए,
इन 9 सालों में हर एक चीज बचाने का काम मोदी सरकार द्वारा किया गया है। वहीं नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे बिहार के कष्ट को नहीं समझ रहे हैं। 18 सालों में हमें मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री मिल गए हैं। साथ ही नीतीश सरकार की बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार को केवल एक ही एयरपोर्ट मिला है। वहीं रोजगार को लेकर उन्होंने कहा कि अभी भी बिहार के कई बच्चों को नौकरी के लिए दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार से हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। यूपी के सीएम योगी ने कहा, माफिया के लिए हमारी पुलिस ही काफी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर से सोमवार को निकाय चुनाव का आगाज किया। मुख्यमंत्री ने अपने चुनाव का आगाज करते हुए कहा कि अब यूपी में कर्फ्यू नहीं, कावंड यात्रा निकलती है। माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है। योजना की बात करते हुए उन्होंने कहा कि योजना का लाभ बिना किसी भेदभाव के यूपी को मिला है। योगी ने कहा कि हमने किसी का चेहरा नहीं देखा, सबका साथ सबका विकास से कार्य किया है। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि सहारनपुर में महापौर के प्रत्याशी सुयोग्य चिकित्सक है। चिकित्सा यदि आएगी तो सभी बीमारियों का इलाज करेगी। वही माफियाओं की बात करते हुए उन्होंने कहा कि माफिया के लिए हमारी पुलिस ही काफी है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को लेकर कर दिया यह दावा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा दावा किया गया है कि राज्य में कभी भी चुनाव हो सकते हैं। दावा करते हुए ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने यह टिप्पणी एक रैली के दौरान दी थी। उन्होंने आगे कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हमें उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा। इससे पहले भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली मौजूदा महाराष्ट्र सरकार अगले 15 से 20 दिनों के भीतर गिर जाएगी। इसकी भविष्यवाणी शिवसेना के नेता संजय राउत द्वारा भी गई थी। फिलहाल आज के राजनीति जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन व्यूवर्स द्वारा हमारे सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है दयाशंकर प्रसाद सिन्हा, बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद सकीर हुसैन, अनवर करीम खान, रविशंकर, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, अंशु प्रिया। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, उद्धव ठाकरे द्वारा दावा किया गया है कि महाराष्ट्र में कभी भी चुनाव हो सकते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।